जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तीर्थ धाम पर राष्ट्रीय स्तर पर एक भव्य यात्रा का आयोजन होगा। चलिए इस धार्मिक व आध्यात्मिक स्थल के इतिहास में आपको ले जाते हैं। यहाँ के इतिहास थोड़ा लंबा बा, ज्यादा लंबा नहीं, मतलब कि जो गुफा है ये तो जब मॉरिशस बनल बा तब के है, पर लगभग 15 साल से ये हमारे हाथ में आल। और ये जब हम खरीद ली तो ये गुफा में उतरे के रास्ता नहीं रहा, तो कैसे करके रास्ता बनेली, रास्ता जब बनल और नीचे उतर ली तो हमरा ऐसे बुझाल कि दूसरा दुनिया में है। ऐसे एक अजीब से एक शांति हमरा बुझाल कि यहाँ कुछ हो बा। तब घुस ली जा गुफा में, गुफा में जब घुस ली जा तो ऐसे लगल कि ये प्रकृति, ये भगवान कैसे बनेला था। जे आदमी भगवान में नहीं मानेला तो मतलब मनुष्य ही नहीं बना सकी। और वो गुफा के अंदर सगवा बैठ के घंटे भर, दिन भर की महीने भर जप करे, तब लगली जा जुगाड़ करे कि ये जगह जो है एक स्पिरिचुअल पार्क बनी। और लगभग 8-10 महीना हो ला माँ देवी के स्थापना होला। ये कैसे होला कि स्वामी जी हरिद्वार में, स्वामी उमाकांत आनंद जी जो हमारे गुरु हवन, तो उनका सपना में आल कि माँ गुफा में है। तो ये कैसा सपना, स्वामी जी उतरले होन गल होन, उनकरो लगल बा कि यहाँ तो 1500-2000 आदमी बैठ के सके जप करे, क्योंकि हिमालय में ऐसा जगह नहीं बा। तो वो गुरु भाई के फोन करके बोलन कल आप जाइए गुफा में, ऐसे लगा कि मैंने माँ को देखा है। तो अगले दिन अब हमनियो थोड़ा सा बौरा गेली जा कि का माँ, हमने की तो बुझाल की यहाँ अपनी बा कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी, जो कि बाद में स्वामी जी उनके पता चला कि वोर्टेक्स, असली वोर्टेक्स यहाँ पर है। तब लगली जा मिल के सब बनाए और इत ऐसा नहीं को स्थान बन गल जहाँ मतलब कि जे भी आए उनके शरीर में एक अजीब से रोमा उठ जाला जब माँ को देखे लन जा, क्योंकि कोई ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर लग कि इस गुफा में ऐसा होई। जब बचपन में उतरल बा उतर जाना तो गुफा ऐसे गुफा है, पर जब माँ हुआ विराजमान हो लन, हम तो दिन भर में कम से कम 5-6 हला तो चल जाला, माँ बोलते रह लन बोलन जर कि माँ के बुलावा आई तब माँ के दर्शन हुई। तीर्थ स्थान है, पहाड़ी इलाका है, परंतु अगर मन में माता रानी की शक्ति हो, उनकी श्रद्धा और विश्वास हो, तो कठिन से कठिन सफर भी आसान हो जाता है। चलिए माँ का नाम लेते हुए माता वैष्णो देवी की आरती में भाग लेते हैं। Thank you.
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मॉरिशस के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा जाता। अब से मॉरिशस में भी वैष्णव देवी की यात्रा हुई। दिन रात महीना के कोनो दिन सप्ताह के कोनो दिन में लोग सखी अकेले आए, परिवार के साथ आए और सकेंजा अपन मंडली के साथ आई और यहाँ भजन कीर्तन करे। है देखा तो इतना सुंदर पहाड़ में, जैसे भारत में कश्मीर में वा वैष्णव देवी के स्थान तीर्थ स्थान, यहाँ पर भी एक नाम डाल दिले सब बो पो बोजे तीर्थ धाम। हमने के उद्देश्य यही बा कि मॉरिशस के जनता के लिए गंगा तालाब के बाद आर एगो तीर्थ स्थान बन गल बा, जहाँ लोग सब कोई लोग एकता के साथ भक्ति के साथ सकेंजा आई और अपन जन पूजा पाठ बा, अपन लोग के जन एकता के मिसाल बा वो कायम करियल जा। देखा एक स्थापना एगो बहुत बेजोड़ ऐतिहासिक बात है। बहुत कम थी लोग जानेला कि लेको फ्रांसे में जोन फ्रांसे के गुरु लोग रहल स्पिरिचुअल मास्टर्स रंजा, जिससे 1735 के बाद जब लाबुदोने मऊस में गोबेने रहल, उस समय वो लोग है प्लासुआ के नाम पों बोंजे रख ले रंजा। ये चाहना हमने के सोचे कि इतिहासकार लोग के कहे खातिर वो लोग हई प्लसवा के नाम रख लन जा पों बोंजे, कहे नहीं दूसर प्लस के पों बोंजे बोल लन जा। ये खातिर हई प्लसवा में एगो शक्ति बा, ये पहाड़ के इलाका है, ये खातिर तो एकरा यहाँ पे बोल जाए स्लोपी माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे चलब और जोन माता के जहाँ पर हमने स्थापना कर ले सर वैष्णव देवी के पिंडी दल ले सर, दुर्गा माँ के जहाँ पर हमने स्थापना कर ले सर, वहाँ जाए के बहुत कठिन है। लेकिन है सीढ़ी बा, है पत्थर बा, जितना मेहनत करके हमने वहाँ जाप सा रोते रोते जाप सा हंसते हंसते लौटब सा, ये चाहना हमने के ध्यान में रखे के। नमस्ते। तो यात्रा के बारे में बताओ। यहाँ के यात्रा इतना बहुत दिन से हम नहीं आवे ला जा तेनी सुन ठग गला हाँ तेनी सुन पहाड़ चढ़ के ठग गई सा। लगभग 10 साल से हम यहाँ आवे ला जा पूजा करे। हमने कहे यहाँ पर बहुत कैसे बात चमत्कार दिखल बा, उ खातिर हम यहाँ आईला सा। और माता वैष्णो देवी जय हम इंडिया में गल हई, वहाँ पर भारत के चढ़ल है पैदल चढ़ल है, तो यहाँ पर तो उतना नहीं बाबे आसान बाटे। और जितना भक्त आ जाल बाटे माता रानी सब पर अपन आशीर्वाद बरसाई। यहाँ के वातावरण यहाँ के पूजा में कुल शक्ति बा, बिल्कुल शक्ति बाटे। हम हमरे पर बीतल बा जोन उ खातिर बोलत है, बस कि हम जब ऐली यहाँ पर पहला जब स्थापन हो रहा तो रली संगे हमने जो जो मांग कर ली हमने के सब पूरा होल बाते। नहीं नहीं बिल्कुल थकान नहीं नहीं लौक दा कि हम थकान हो नहीं, अपन बराबर गईनी और बराबर ऐनी है और आते जाते रहिला हम 10 साल से लगभग हमने आते जाते रहिला सब। लेकिन हमके पहला हला गन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं अब मेरे लिए तो कुछ नहीं है आते रहना, लेकिन बहुत क्या बोलेंगे बहुत कुछ मिला है अपने को, खुद मेरे नए बच्चे लोग का सब सब लोग हम लोग सब लोग जुड़े हैं यहाँ पर। से और यहाँ का वातावरण यहाँ की यात्रा के बारे में बहुत अच्छा बा। हम सोच ली नहीं सकब चढ़े उतरे मेरे से माँ उतर चढ़ गई उतर गई इतना थोड़ा सन रह जल बाटे भगवान के छो से माता के छो से निकल जावे इतना दूर बा शरीर में अभी रे दम बा दम बा माता के आशीर्वाद माता के आशीर्वाद सब बातें अभी से कहीं से नहीं समझी अभी हम लैंड जाइला तो हम अपनी जाइला वैष्णो देवी माता के दर्शन करें
जब भी जाएगा तो जाएगा दर्शन करे। तो अभी हमारे संगीतिया बोला जहाँ पर माता के ओकर एगो भवन बा यहाँ पर स्थापन हो रहा यहाँ, तो मैं तो सुन जाएगा देखे हम अच्छा लगा वातावरण कैसे लगा? शांति बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा बात है। सब कोई यहाँ पर आए दर्शन करे तो यहाँ पर माता सकेला आके यहाँ पर विराजमान हो जाए। Let the Lord